हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फिगर बना दी है। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट पी है एंड ये कोई बॉडी है एंड दिस पर्टिकुलर बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एलोंग द सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स्ड पोजिशन ओ। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि लेट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम एन ऑब्जेक्ट इज रीच्ड एट पॉइंट क्यू एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब ये हमारे पास जो एंगल बना रहा है, तो सीधे से हमारे पास क्या हो गया कि लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, आर यहां पर हमारे पास रेडियस है, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी, विद इनिशियल velocity v and in time t, and in time t it covers a distance s. When it reaches at point q from p to q, आर्क पी क्यू, दिस इज द आर्क, ये हमारे पास एक आर्क हो गया, एक्सटेंडेड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ओ। ओके, नाउ हमारे पास क्या है कि हम जानते हैं, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं एंड टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया कि एस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम टी। तो ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट हो गई। अब देखिए, एंड अकॉर्डिंग टू द फिगर देर इज ए थीटा, थीटा इज द एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू, और सबको पता है, यू नो वेरी वेल कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा जो हमारा एंगल है, जो मेजर किया जाता है रेडियन के अंदर, जो मेजर करते हैं रेडियन में, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क हमारे पास क्या है पी क्यू, और रेडियस हमारे पास है आर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। तो देखिए क्या बन गया कि एस इज इक्वल टू हो गया हमारे पास आर थीटा, ये इक्वेशन हमारे पास टू होगी। एंड नाउ अगर हम इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करें डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, देखिए कि वी टी इज इक्वल टू, और एट द प्लेस ऑफ एस हम पुट कर दें वैल्यू आर थीटा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन टी। और तुम सबको पता है कि जो हमारे पास थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी की जो वैल्यू होती है वो होते हैं ओमेगा, तो क्योंकि ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर क्योंकि वेलोसिटी होगी। देखिए दो तरह की बात होती है, एक तो लीनियर वेलोसिटी होती है, एक होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी तो सीधी सीधी एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें हम बोलते हैं लीनियर, और जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो मान लीजिए यहाँ पर चल रहा है ये डिस्टेंस ए से बी पे डिस्टेंस, या फिर हम कहें पी से क्यू की डिस्टेंस है, तो ये भी एस डिस्टेंस कवर होगी। और अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है पी से क्यू, तो ये डिस्टेंस हमारे पास ये एस कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पर है एंगल, ठीक है, एंगल के लिए हमारे पास क्या है आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके लिए हम क्या कहें, वी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी की जगह पर एट द प्लेस ऑफ थीटा अपॉन टी हम वैल्यू रख दें ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये हमने एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया जिसका नाम था रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो आज के टॉपिक में इतना ही, वी विल डिस्कस लेटर ऑन नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।
लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।